उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, जहां कई जिलों में लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। जल प्रहार देखने को मिल रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, और नदियों और नालों का ये पानी अब शहरों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक आगे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, चाहे वो शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह लोगों के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जगहें गीली हो जाती हैं, सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, जिसकी वजह से आना जाना बहुत ज्यादा बाधित हो जाता है और पर्यटन भी इससे बाधित होता है। इसके अलावा व्यापार इससे बाधित होता है। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर जल प्रहार का इन तमाम चीजों पर पड़ता है। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। निवाड़ी में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। पूरे इलाके में जहां भी नजर गई वहां पानी ही पानी दिखाई दिया, और एक जगह तो एक स्कूल वैन ही पानी में फंसी हुई दिखाई दी। बारिश से सड़क पर इतना पानी भर गया कि स्कूल वैन का अगला पहिया उसमें पूरी तरह डूब गया, और गाड़ी के फंसने के बाद उसमें बैठे बच्चे वहां से कूद कूद कर किसी तरह बाहर निकले। और मध्य प्रदेश के मंडला में भी आसमानी आफत जारी है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए कि पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा, और ये बताया गया कि नर्मदा नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDRF और होम गार्ड के जवानों की तैनाती की गई। तो तस्वीरें आप देखिए, मंडला मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। नर्मदा नदी उफान पर इस वक्त देखने को मिल रही है, और लोगों के घरों के अंदर किस तरीके से पानी भरा हुआ है, बेबस चेहरे, मजबूर लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हर कोई जिसके पास पहली मंजिल का मकान है वो पहली मंजिल में शिफ्ट हो चुका है। और उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों को की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए कि सैलाब में गाड़ियां बहने लगी। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कार बहते हुए दिखाई दी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सीहोर मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी किस तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, और उसको धक्का लगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि वहां पर आपको 7 लोग दिखाई देंगे, जिनका प्रयास है कि इस गाड़ी को इस पानी से बाहर निकाला जा सके। और मध्य प्रदेश के सीहोर जैसे ही हालात सागर जिले के भी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है। इसी दौरान एक बुजुर्ग सैलाब की चपेट में फंस गए, जिसके बाद SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का रेस्क्यू किया, और पानी के तेज बहाव से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर निकालती हुई SDRF की टीम आपको दिख रही है। और मध्य प्रदेश के एक और जिले टीकमगढ़ में रात भर हुई बारिश के बाद नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। हालात ऐसे हो गए कि बांध सुजारा बांध के 12 गेट खोलने पड़े, जिसके बाद करीब 2500 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे जाने से उन्हें मना किया है, और नदी के उफान की वजह से भी उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है, बांध से पानी छोड़ा गया है, इस वजह से नदी इस वक्त उफान पर है। और अब बात कोलकाता। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।